हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं हूँ महाराष्ट्र में। आज के व्लॉग में मैं विजिट कर रही हूँ महाराष्ट्र का मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन विच इज़ सिचुएटेड इन वेस्टर्न घाट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतारा। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। येस, दिस इज़ महाबलेश्वर। इसके साथ साथ आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महाबलेश्वर के कुछ बहुत ही फेमस स्पॉट्स के बारे में और उनके बारे में कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। सो गाइज, फॉर दैट प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू थिंग्स टू डू इन महाबलेश्वर। तो चलिए सबसे पहले विजिट करते हैं इंडियाज़ वन ऑफ द टॉप फूड प्रोसेसिंग कंपनी मैप्रो की, विच इज स्टार्टेड इन 1959 और इसकी टाइमिंग है 8 AM टू 8 PM। एंट्री फी बिल्कुल भी फ्री है और अगर आप यहाँ गए हो और अगर आपने यहाँ का वर्ल्ड फेमस सैंडविच नहीं खाया तो क्या खाया। जी हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, इस सैंडविच को खाने वाला हर एक इंसान इसका दीवाना है। तो अब मैं आपको बात करवाती हूँ एक ऐसे इंसान से जिसने मेरे साथ साथ इस सैंडविच का मज़ा लिया है। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं और उनको ये सैंडविच कैसा लगा और ये वर्ल्ड फेमस क्यों है वो बताएंगे आपको। सबसे पहली बात तो ये सैंडविच नहीं, ये मेगा सैंडविच है। इसका साइज है 10 इंच कम से कम। अच्छे से बेक किया होता है, अंदर चीज़, सब्जियां, कैप्सिकम, पनीर, प्याज, ऑलिव्स, एलेपिनो सब कुछ होता है। और जब वो प्लेट में सर्व करके देते हैं तो ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, ये मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ कोई आदमी मिल जाए जो 2 सैंडविच खा के दिखा दे एक सिटिंग में, मैं उसका फैन हो जाऊंगा। मैं उसको 500 रुपये दूंगा। और ये जो ब्रेड है ये यही बनती है मैप्रो फॉर्म में। आप आटे से कैसे ब्रेड बेक होके निकली और वही ब्रेड से कैसे उन्होंने बढ़िया लजीज सैंडविच बना के दिया, मज़ा ही आ गया। आपको पता है वो लोग ये भी पूछ रहे थे कि इसमें स्ट्रॉबेरी भी लगानी है क्या। कैन यू बिलीव, सैंडविच जिसमें स्ट्रॉबेरी भी थी। अरे वाह यार, मज़ा ही आ गया। आप पूरा A to Z पूरा प्रोसेस देख सकते हो यहाँ पे और आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। मज़ा ही आ गया यार, ये लोग तो ऑसम है। और शायद इसीलिए ये सैंडविच वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस भी है और मेरे को तो ये मेगा सैंडविच खाना है, पर मैं एक बार में एक ही खा सकता हूँ। इसके साथ ही मैप्रो फेमस है अपने मच अवेटेड इवेंट स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे आप स्ट्रॉबेरीज फार्म्स, फूड पार्क, कल्चरल एंड इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो और उनको एंजॉय कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। खूबसूरत नज़ारे और ठंडी हवाओं के साथ अब हम पहुंच चुके हैं होटल। यहाँ पे हमने एक कॉटेज बुक किया था और अगले 3-4 दिनों के लिए अब हम यहीं पे रुकने वाले हैं। इस रिजॉर्ट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका जो लोकेशन था वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। आसपास इतने अच्छे व्यूज़ थे, नियर बाई मुझे स्ट्रॉबेरी फार्म्स मिल गए थे। प्लस क्या है, यहाँ पे मुझे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी इस रिजॉर्ट में और मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और आज है day 1 और आफ्टर लंच मैं निकल रही हूँ सबसे पहले विजिट करने केट्स पॉइंट। इस एरिया में टोटल 3 पॉइंट्स हैं, केट्स पॉइंट, एको पॉइंट एंड निडल होल पॉइंट। कहते हैं ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मैल्कम की बेटी का नाम केट था और उन्हीं के नाम पे इस पॉइंट का नाम केट्स पॉइंट पड़ा। बहुत से लोग इसे शूटिंग पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है, लाइक चेन्नई एक्सप्रेस, रब ने बना दी जोड़ी, दबंग, तारे जमी पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आप यहाँ से दूम डैम, पीक ऑफ कमलगढ़, पांडवगढ़ एंड मंदार देव भी देख सकते हैं। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यकीन मानिए यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस प्लेस। इसके साथ ही इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, केट पॉइंट का ओरिजिनल नेम नकेखिंद है। तो अब बात करते हैं एको पॉइंट की। एको पॉइंट की खासियत ये है कि जब भी आप यहाँ पे खड़े होके आप वैली में कुछ भी बोलते हो ये आपके वॉइस को रिटर्न बैक करता है और इसका भी विजिटिंग आवर है 9 AM टू 6 PM एवरी डे। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो लाइक हॉर्स राइडिंग एक्सेट्रा। साथ ही इसके पास ही एलिफेंट हेड पॉइंट है और इसको निडल पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने पे एलिफेंट के हेड की तरह दिखता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एलिफेंट्स हेड पॉइंट। और यहाँ भी सेम आप वही सारी चीज़ें आप कर सकते हो क्योंकि ये सारी जो तीनों पॉइंट्स हैं वो बेसिकली एक ही जगह पे हैं, बस फ़र्क इतना है कि आप अलग अलग पॉइंट्स पे खड़े होके और अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। Now it's time to visit some strawberry farms. The best time to visit strawberry farms during the period between December to April, and you can visit the farms on Mahabaleshwar Panchghani Road or Mahabaleshwar Tapola Road, and you can also buy farm fresh strawberries from there. Britishers brought strawberries plant from Australia and planted in Mahabaleshwar and Panchghani. And मजे की बात ये है कि अब भारत या यूं कह ले महाबलेश्वर से स्ट्रॉबेरीज एक्सपोर्ट होती हैं इन वेरियस कंट्रीज। हाउ इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। सनसेट पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट ऑफ महाबलेश्वर। इसको मुंबई पॉइंट और बॉम्बे पॉइंट भी कहते हैं। यह महाबलेश्वर का सबसे पुराना पॉइंट है। दिस इज द आइडियल प्लेस फॉर पिकनिक एंड गेम्स। सनसेट पॉइंट महाबलेश्वर का सबसे ज्यादा क्राउडेड पॉइंट है और यहाँ भी कोई एंट्री फी नहीं है। और यही वो जगह है जहाँ से मेरे अंदर का फोटोग्राफर बाहर आया था। तो आज है डे 2 और मैं निकल रही हूँ ओल्ड महाबलेश्वर की तरफ। ओल्ड महाबलेश्वर इज ऑल्सो नोन एज क्षेत्र महाबलेश्वर एंड This is one of the most beautiful sites for Hindus. This place is famous for 3 temples and Old Mahabaleshwar Market. तो चलिए बात करते हैं 3 temples की। तो ये हैं महाबलेश्वर टेम्पल, कृष्णाबाई टेम्पल एंड पंचगंगा टेम्पल। Visiting hour for these temples are from 9 AM to 6 PM every day and entry fee is absolutely free. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड महाबलेश्वर टेम्पल की। So this temple is built in 1215 AD and was constructed by Chandrao Maurya dynasty, जहां इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले मराठा साम्राज्य की महिमा और समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक माना जाता है। वहीं मंदिर का आर्किटेक्चर साउथ इंडिया की हेमदंत वास्तुकला शैली को दर्शाती है। हाउ इंटरेस्टिंग। And the greatest attraction of this temple is the 6 feet long शिवलिंग। यहाँ आप शिव जी के दर्शन उनके रुद्राक्ष रूप में कर सकते हैं और यही रीजन है कि ये जो मंदिर है और ये जो महाबलेश्वर जो जगह है ये हिंदू स्पिरिचुअल वे में इतना ज़्यादा फेमस है। और अगर आप महाबलेश्वर से जुड़ी और यहाँ के मंदिरों से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक बातें और भी अगर आप जानना चाहते हैं, महाबलेश्वर कैसे बना, महाबलेश्वर के ये मंदिर कैसे बने, क्यों इस जगह का नाम महाबलेश्वर है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। ओल्ड महाबलेश्वर में सिचुएटेड जो भी मंदिर है इनके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी अगर आप लोग चाहोगे तो। So please let me know in comment box. तो अब चलते हैं कृष्णाबाई टेम्पल की तरफ। And this temple is one of the oldest temple in Mahabaleshwar, dedicated to the worship Lord Krishna. It is 1 kilometer away from Panchganga temple और इसके सामने आप breathtaking beautiful Krishna Valley के scenic view देख सकते हैं और आप वहाँ पे फोटोग्राफी का भी मजा ले सकते हैं। It is also believed that the existing of this temple is from era of the Pandavas. कितनी अजीब बात है ना, मतलब इतने हजारों साल पुराना मंदिर है ये। Approx I think 4 से 5 हजार साल पुराना हो गया है ना। इसके साथ साथ ये वो जगह है जो आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट, एक ऐतिहासिक खंडर, संस्कृति, स्पिरिचुअल एक्सेलेंस, सुंदर नक्काशियों और अद्वितीय कला और विज्ञान को और भी बहुत सी चीजों को एक साथ संजो के रखे हुए है। अब चलते हैं पंचगंगा टेम्पल की तरफ। दिस टेम्पल इज 4500 ईयर ओल्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय राजा सिंघनदेव इन 13th century। यह मंदिर ठीक उसी जगह पर है जहाँ पे 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, कोयना, वीणा और गायत्री मर्ज देयर वाटर्स। एंड ये जो वाटर्स है ये एक गोमुखी से निकलती हैं, वहाँ पे एक गोमुख है, वो गोमुखी से निकलती है और उसके बाद ये एक वाटर टैंक है उसके जस्ट नीचे वहाँ जाती हैं। उसके बाद ये जो वाटर टैंक का से ये जो नदियों का जो पानी है वो कृष्णा रिवर में बाद में मर्ज हो जाता है। एंड कृष्णा रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है एंड पूरे महाराष्ट्र का जो वाटर सप्लाई है वो कृष्णा रिवर के थ्रू ही होता है। यहाँ पे पास में ही ओल्ड महाबलेश्वर मार्केट भी है, आप चाहो तो बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो इस मार्केट से। बट फिलहाल मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, इसलिए अब मैं जा रही हूँ आर्थर सीट पॉइंट की तरफ। This is the most popular point in Mahabaleshwar and it is also known as Queen of the Points. Arthur's Seat 2 बातों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। First, floating of the light objects. अगर आप यहाँ से कुछ भी हल्की चीज़ें वैली में फेंकेंगे तो यह आपके पास वापस आती है। लाइक कोल्ड ड्रिंक कैप होता है, जो वो कांच की बॉटल आती है उसके ऊपर वो हल्की वाली कैप होती है, अगर आप उसको वैली में फेंकोगे तो वो वापस आती है। कितना इंटरेस्टिंग है ये। एंड सेकेंड, इस पॉइंट का नाम आर्थर मैलेट के ऊपर रखा गया है, जिसने अपनी बीवी और 1 मंथ की बच्ची को एक फेरी एक्सीडेंट में खो दिया था सावित्री रिवर में। तो वो यहाँ पे बैठ के सावित्री रिवर की तरफ देखा करते थे और अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को मिस किया करते थे। दैट्स वाई इस पॉइंट का नाम आर्थर सीट पॉइंट पड़ा। अब चलते हैं वेना लेक की तरफ। तो वेना लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1942 एंड यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। फॉर बोटिंग यू कैन गेट बोथ रो एंड पेडल बोट्स हियर। एंड बोट की जो प्राइस है वो टाइमिंग पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपको कितनी देर बोटिंग करनी है, लाइक 30 मिनट और 60 मिनट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डू हॉर्स राइडिंग, प्ले गेम्स, गेट चौपाटी फूड्स हियर। एंड आप वेना लेक में स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि जो महाबलेश्वर की जो वाटर सप्लाई है वो वेना लेक के थ्रू ही होती है, इसलिए वहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। एंड इसके बैंक पे एक गार्डन भी है जिसको छत्रपति प्रताप सिंह गार्डन बोलते हैं, आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो। और इसके साथ ही महाबलेश्वर में आज मेरा दूसरा दिन ख़त्म होता है और अब मैं जा रही हूँ रिजॉर्ट वापस। एंड देन वी विल प्लान कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। तो आज है डे 3 और ये क्रिसमस मॉर्निंग है और आज का पूरा दिन मैं कहीं भी बाहर नहीं जाने वाली, मैं इस रिजॉर्ट में ही रहूँगी और इसको एक्सप्लोर करूँगी। ये अपने आप में ही इतने सुंदर जगह है, यहाँ आसपास इतने अच्छे व्यूज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने को जो हमने अभी 2 दिन में नहीं किया है क्योंकि हम महाबलेश्वर को एंजॉय कर रहे थे। सो आज मैं पूरा दिन इस रिजॉर्ट में रहूँगी, यहाँ पे एंजॉय करूँगी। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप ऊपर कार्ड में मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हो मेरा क्रिसमस एपिसोड। और ये जो क्रिसमस है वो मैंने यहीं पे सेलिब्रेट किया है। सो आज का पूरा दिन हम यहीं पे रहने वाले हैं, यहीं पे एंजॉय करने वाले हैं और कल हम यहाँ से जा रहे हैं वापस पुणे। आज है डे 4 और मैं वापस से पंचगनी में हूँ। हम लौट रहे हैं पुणे और रास्ते में पंचगनी था और हमने रिटर्निंग में सोचा कि एक बार हम टेबल लैंड पॉइंट और पंचगनी के कुछ पॉइंट्स विजिट करते हैं। बट हमारे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए अभी फ़िलहाल मैं हूँ टेबल लैंड पॉइंट के पास और यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, लाइक पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, बहुत सारे गेम्स यहाँ पे आप खेल सकते हो। और ये सब तो बातें हो गई हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कैमल को खिला रही हूँ। और इस तरह से ये पूरा महाबलेश्वर का ट्रिप ख़त्म होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पंचगनी पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। द टेम्परेचर इन महाबलेश्वर रिमेन्स प्लेजेंट ऑल अराउंड द ईयर, सो डोंट डिले योर ट्रिप एनी फर्दर एंड विजिट द ब्यूटीफुल महाबलेश्वर फॉर ए यूनिकली रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू प्लेस के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।